सैकड़ों आशा बहुओं ने काशीराम ट्रामा सेंटर में मांगों को लेकर दिया ज्ञापन। आपको बता दें कि कोरोना काल में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली आशा बहुएं आज खुद ही मरीज बनती जा रही हैं, जिसका आरोप सीधे सीधे शासन पर आ रहा है। मामला कुछ ऐसा है कि आज काशीराम ट्रामा सेंटर पर सैकड़ों महिलाओं का हुजूम ज्ञापन सहित सीएमओ के दफ्तर पहुंच गया और ज्ञापन देते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं आशा बहुओं की मांग है कि सरकार हमें राज्य कर्मचारी घोषित करे, वेतन भोगी एकमुश्त करे, बीमा सुरक्षा दे, हेल्पलाइन नंबर हमारे लिए जारी करे, योग्यता के अनुसार पदोन्नति की व्यवस्था एवं किसी भी आशा बहु के साथ कोई हादसा हो जाए और उसके न रहने पर मृतक परिवार को लाभ दिया जाए। आशा बहुओं ने अपनी कई मांगों को लेकर भाजपा सरकार को कोसती हुई भाजपा के विधायक सतीश महाना कार्यालय पर भी पहुंची। मौके पर हिंदू महिला संस्था पीसीआई की अध्यक्ष अर्चना मिश्रा, वंदना शुक्ला, पूनम सिंह, गीता तिवारी, शशिकला, निधि वर्मा, ममता रानी, अन्नपूर्णा श्रीवास्तव सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आरटीआई न्यूज 24 के लिए रवि कुमार की रिपोर्ट। लेकिन अब आशाएं भी काफी जागरूक हो चुकी हैं और ये तरीके से रुकने वाली नहीं है और हम आशाएं तभी कार बहिष्कार इसीलिए किया गया फिर उत्तर प्रदेश में। अब जब तक कि आशा को राज्य कर्मचारी नहीं उत्तर प्रदेश सरकार घोषित करती अथवा निश्चित मानदेय 18,000 रुपए नहीं देती, हमारा चूंकि टुकड़ों में पैसा आता है वो भी इस वजह से आधा पैसा यहाँ हुआ विभाग के कई अधिकारियों द्वारा खा लिया जाता है। विशेष मांगे आपकी क्या क्या है? विशेष मांगे हमारी यही है कि हमें सबसे पहले तो आप राज्य सरकार कर्मचारी घोषित कीजिए अथवा हमारा 18,000 फिक्स्ड मानदेय कीजिए। आशाओं को मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए, सवेतन मिलना चाहिए और 2005 का जो सामाजिक सुरक्षा अधिनियम है वो आशाओं पर लागू होना चाहिए और हमें काम जो वर्क प्लेस है वो हमें बेहतर काम करने का मिलना चाहिए और सभी जितने भी जिला अस्पताल है उसमें एक आशा हेल्प डेस्क होनी चाहिए प्लस एक आशा रूम होना चाहिए। जब रात में वो डिलीवरी के लिए आती है भटकती फिरती है पूरे टाइम वो प्रसव कक्ष के बाहर खड़ी रहती है मेरी बहनें, तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग चाहते हैं कि कम से कम हम लोग के हर जिला अस्पताल में एक कमरा आशाओं के लिए रिजर्व रहना चाहिए। जिला अस्पताल क्या नाम है मैडम? मेरा नाम अर्चना मिश्रा है। ये जो इतनी हुजूम आपके नेतृत्व में खड़ी है क्या मांगे, किस मामले को लेकर के आप यहाँ पर आए? यहाँ पर हमारा जो इतनी सारी मेरी ढेर सारी काम पर पूरे कानपुर जनपद की आशा बहनें एकत्रित हुई हैं उनका यहाँ पर सिर्फ मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारा मानदेय सरकार टुकड़ों टुकड़ों में देती है और ऊँट के मुंह में जीरा की तरह थोड़ा सा देती है, क्या 2,000 या 3,000 रुपये से किसी की भी घर गृहस्थी चल सकती है? ग्राउंड लेवल पर अगर आशा ने 2 साल लगातार काम किया, जो महिलाएँ अपने घर की दहलीज से बाहर आ करके और अपने घर की तस्वीर बदलने की कोशिश कर सकती हैं तो वो सरकार की भी तस्वीर बदल सकती हैं, उत्तर प्रदेश की भी बदल सकती हैं और ये हम सभी बहनों ने कोरोना काल में साबित कर दिया है। हमें अपने मुंह से बताने की आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी सरकार हम लोगों के हितों की लगातार अनदेखी कर रही है। वो बहुत नाम मात्र के पैसे में हम लोगों से जी तोड़ मेहनत कराती है। सरकार के कई सारी योजनाएं एक साथ हम लोग करते हैं, जैसे 3-3, 4-4 काम एक साथ आ जाते हैं। अब आप करिए कोई पूरे 24 घंटे काम करते हैं क्या दिन क्या रात, लेकिन सरकार को ये बात कई बार हम लोगों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया कि शायद सरकार को ये बात हमारी समझ में आए, हमारी तकलीफ़ों को समझे और हमें उचित मानदेय दे या हमें राज्य कर्मचारी घोषित करे, लेकिन सरकार ने पूरे 5 साल नहीं ध्यान दिया बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने पिछले घोषणा पत्र में विधानसभा के बोला था कि आशाओं को हम 10,000 मानदेय करेंगे लेकिन उन्होंने राज्य कर्मचारी घोषित करेंगे लेकिन नहीं किया। इस संबंध तो में अभी किसी को ज्ञापन या कोई पत्रावली के साथ में सबमिट किया किसी के? देखिए सर ये प्रदर्शन तो पूरे उत्तर प्रदेश में ही चल रहा है और दिन प्रतिदिन ये उग्र होता जा रहा है। अभी क्या लगता है सरकार आपकी बात नहीं सुन रही, क्यों क्या कारण है? अब सरकार को तो वही है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, सबसे ज्यादा काम लेना है और कम पैसा, कोई भी हो मालिक सोचता है कि हमें कम से कम। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरटीआई न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।